तो बच्चों क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल एक बार मैसेज कर दो क्लियर दिख रहा है। ओके बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यस तो बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आ चुके हैं 2.11 और जिस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आपके लिए नया टॉपिक है और मैं पढ़ाऊंगा। मैं हूं रविंद्र सर और आप जॉय फिजिक्स में हो जिसमें हम क्या करते हैं फिजिक्स को एंजॉय करेंगे। तो 2.11 आज का बच्चों हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों ये टॉपिक का थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं आपको क्रिएट कर देता हूं। देखो ध्यान से समझना है कि आपने देखा ये फैन है बच्चों, यहाँ पे वाइंडिंग होती है फैन की और उसके ये विंग्स होते हैं, ठीक है। उसमें से 2 वायर गए यहाँ पे स्विच बोर्ड में लगे, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पीड सेट करनी है, आपने सेट कर दी कितने की स्पीड 5 की, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो कितने की स्पीड सेट कर दी बच्चों आपने 5 की स्पीड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो मैसेज करो। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? कितने की स्पीड कर दी बच्चों 5 की स्पीड कर दी, ठीक है। तो पंखा या सीधा 5 पे स्टार्ट होगा? नहीं नहीं होगा, कम से कम हम मान लेते हैं वो, यानी मान लीजिए 50 सेकंड लेता है और 50 सेकंड में वो 0 की स्पीड से 5 की स्पीड पे चला जाता है। कम से कम 50 सेकंड या 40 सेकंड या कुछ भी सेकंड्स लेता होगा। बट अब देखो स्टार्टिंग में 0 सेकंड पे उसको कितना वोल्टेज हमने दिया होगा, सोचो ध्यान से देखो। इनिशियली जैसे ही हमने स्विच ऑन किया उसको 230 वोल्ट एसी मिला, एसी वोल्टेज। 1 सेकंड पे कितना था 230, 4 सेकंड पे कितना था, यानी उसकी स्पीड 0 से 1 हुई, 2 हुई, 3, ये स्पीड ले लो चाहे वो टाइम ले लो कोई भी बात है स्पीड, और 4 और 5 तब तक उसका वोल्टेज तो क्या रहा, सेम ही रहा ना। हमने थोड़ी वोल्टेज चेंज किया, बोलो हाँ के ना। एक बार रेगुलेटर को आपने 5 पे सेट कर दिया, पंखा बंद है और आपने स्विच ऑन किया तो पंखा 0 से स्टार्ट करता हुआ 5 तक जाएगा, बट वोल्टेज तो उसको जो मिल रहा है वो तो हमने दे दिया जो दे दिया, ठीक है। पर वो उसका स्टार्टिंग देखो कैसे हो रहा है 0 1 2 3 4 5। तो बच्चों ध्यान से यहां पे समझना है, अगर ये 230 वोल्टेज डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट कर दो वाइंडिंग को तो वाइंडिंग जल जाएगी, बिगड़ जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए बीच में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटर। वो यहां से एनर्जी लेती है, चार्ज लेती है, अपने अंदर स्टोर करती है और फैन की वाइंडिंग को धीरे 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 देती जाती है। समझना है, इस कैपेसिटर से इसकी स्पीड 0 से 100 होने में, सॉरी 0 से 5 होने में थोड़ा टाइम लेती। अगर डायरेक्टली ले लिया तो क्या हुआ, समझ में आया ना, झटका लगता है कि जैसे हम गाड़ी में बैठे और डायरेक्ट गाड़ी को किसी ने एक्सीलरेटर दे दिया तो हमें कहाँ झटका लगेगा, पीछे लगेगा। उसी तरह इसको भी ऐसे हाई वोल्टेज मिलने के कारण वाइंडिंग बेकार हो जाएगी, जल जाएगी, हीट एनर्जी रिलीज कर देगी ज्यादा और ये जल जाएगी, ठीक है। बट उसके बीच में क्या लगा दिया जाता है, एक डिवाइस। वो डिवाइस क्या करता है, यहाँ से आता हुआ चार्ज को स्टोर करता है, स्टोर करके किसको प्रोवाइड करता है, वाइंडिंग को प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है तो वो चार्ज वाइंडिंग को मिलता जाता है और धीरे 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 वो 5 पे इसको पहुंचा देता है। समझ में आया कंसेप्ट, यानी बीच में ये मेंटेन करने वाला कैपेसिटर बैठा होता है। अच्छा, ये कैपेसिटर को हम लोग अपनी माँ से जोड़ सकते हैं, माँ यानी जिसको आप मम्मी कहते हो, माँ से जोड़ सकते हो।
अब आप सोचोगे कि मां से कैसे जोड़ दिया, तो एक तरीका एग्जांपल है, समझने वाली बात है। मां से कैसे मैंने जोड़ दिया, देखो मान लो आपने कोई गलती कर दी और आपके पापा आए, पापा एकदम हाई टेम्परेचर 230 वॉट, लड़कों की बात है, लड़कियों पे ज्यादातर ये देखा नहीं जाता पर लड़कों को ही होता है। अगर घर में मम्मी ना हो तो आपका क्या होगा वो आप ही जानो, समझ में आया ना। पापा डायरेक्ट आपके वाइंडिंग के साथ जुड़ जाएंगे और थड़ाक लेके आ गए, हाँ कि ना, होता है कि नहीं होता है बताओ, मैसेज करो। अगर बीच में हाँ 230 वोल्ट का मुक्का पड़ेगा पापा का, पर बीच में मम्मी होती है तो पापा उठते हैं ऐसे, अरे उठ, फिर मम्मी देखे तू, पर फिर पापा कंट्रोल कंट्रोल पापा कंट्रोल तो यही काम कैपेसिटर का है, कैपेसिटर यही काम करता है, इसको डायरेक्ट 5 पे नहीं जाने देता है, धीरे धीरे ले जाता है, समझ में आया कि नहीं। फिर मम्मी धीरे धीरे आपको डोज देती समझाती और इसीलिए उसकी वैल्यू हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं आज, हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की भी बात कर लेते, कैपेसिटी की भी बात कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं बेटा कि कैपेसिटर का लॉजिक जो है वही से स्टार्ट होता है। आप मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, अच्छी या बुरी, उसका यूज अच्छा है हमारे लिए या बुरा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, अगर चार्ज ना हो तो अभी ये लेक्चर पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो तो क्या होता है, तो उसको स्टोर करना अच्छी बात है कि नहीं, जो चीज अच्छी हो उसको स्टोर करना चाहिए ना। तो स्टोर करने के लिए किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए हम कंडक्टर लेते हैं बेटा, कंडक्टर, तो कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, कैपेसिटेंस। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज और कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, यही तो मम्मी का मतलब है ना। मम्मी क्या करती है देखो, है पापा गुस्से में आते, मम्मी और पापा का झगड़ा हुआ है कभी, मना मत करना, झूठ नहीं बोल, हाँ समझ में आया ना। कंडक्टर मम्मी एक प्रकार का ऐसा कंडक्टर है जो पापा कितना भी बोले लड़े पर आपके पास अच्छी नॉलेज आए और आसपास अपनी इज्जत बनी रहे, उसके लिए वो सब कुछ अंदर स्टोर कर ले, हाँ के ना, सहनशीलता उनमें बहुत होती है। इसी तरह कैपेसिटर भी क्या कर लेता है, स्टोरिंग ऑफ चार्ज, स्टोरेज ऑफ चार्ज उसमें होता है। अब वो जितना ज्यादा होता है उसकी कैपेसिटी उतनी चार्ज, और जितना कम होता है उसकी कैपेसिटी उतनी कम मानी जाती है। क्या बच्चों क्लियर हो रहा है, कैपेसिटेंस बिल्कुल क्लियर, ओके यस और नो, व्हाट इज कैपेसिटेंस, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चलो अब हम कैपेसिटर की बात करेंगे, पर थोड़ी देर पहले समझेंगे कि कैपेसिटी किस तरह से आपको समझनी, ध्यान से कुछ बातें हम समझेंगे। पहले कंडक्टर, हमने कंडक्टर लिया बेटा, क्या लिया, कंडक्टर, और उस पे हमने क्या डालना स्टार्ट किया,
चार्ज, ठीक है। अब उस कंडक्टर ने चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया, हमने चार्ज देना स्टार्ट किया, उसने स्टोर करना स्टार्ट किया, और स्टोर करता गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब थोड़े समय के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना। ओहो, कुछ नया सुना मैंने, लीकेज ऑफ चार्ज, पहली बार सुन रहे हो क्या लीकेज ऑफ चार्ज, चार्ज लीक हो रहा है। यस, सुना है पहले सुना है। अच्छा, सुना क्या, एक्सपीरियंस भी किया है। कई बार घर में अर्थिंग ना हो और आपने स्विच पे हाथ लगाया तो थोड़ा सा झटका लगता है, जरा सा, तो वही तो क्या है कि चार्ज लीक हो गया। अगर कहीं स्टोर हो रहा था, कहीं से जा रहा था, तो थोड़ा सा लीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे कंडक्टर पे आपने चार्ज डाला, अब उसकी खत्म हो गई कैपेसिटी, तो उसने किया बाला, लीकेज हो गया। क्या हो गया, लीकेज। ये कैसी बात हो गई, आप मेरे घर पे आए, मैं बहुत खुश हुआ, वेलकम। मैंने कहा तो आइसक्रीम खाओ, आपने कहा वाह मैं खा लेती हूँ या खा लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है इसे। फिर मैंने कहा लो और खाओ, ना खाओ, जबरदस्ती खाओ, खाए जाओ, फिर क्या होगा, वॉमिटिंग बाहर आएगा ना, लिमिट खत्म। तो ये वॉमिटिंग ऑफ चार्ज, दैट मीन्स लीकेज ऑफ चार्ज हो गया। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, देव कह रहा है कि सर डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ देव चौकसी। भाई कई चीजों को है ना, हमें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहिए, पर्सनली मत लिया। सर ओके, चलिए, कंडक्ट लीकेज हुआ। अब लीकेज होने से क्या होता है बेटा, देखो लीकेज होने से क्या हुआ, लीकेज होने से ये चार्ज किधर जाएगा, बाहर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इंक्रीज। आपने क्या किया, देखो आपने इधर क्या किया, चार्ज क्यू को इंक्रीज किया, उससे क्या हुआ, आसपास के एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। आपको पता है आसपास के एरिया में पोटेंशियल भी क्या हुआ होगा बेटा, इंक्रीज हुआ होगा। ऐसा होता रहता है, जैसे आप चार्ज इंक्रीज करते जाओ, वैसे दो चीजें इंक्रीज होती जाती हैं। समझ में आया बच्चों, यस और नो, क्लियर, ओके सर। हाँ, कैपेसिटर भी ब्लास्ट होता है ना, ओवर स्टोरेज ऑफ चार्ज, हाँ वो तो बात की बात है। अभी यहाँ पे अभी कैपेसिटर पढ़ो तो सही, पोटेंशियल बढ़ता है, फील्ड बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता जाता है। यहाँ पे लीकेज होने से क्या होता है, देखो यहाँ पे बच्चों ये क्या था, एयर। एयर कैसी होती है, कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटिंग एयर होती है, और उससे जैसे ही यहां पे चार्ज आया तो यहां पे स्टार्ट हो गया आयोनाइजेशन ऑफ एयर। यस और नो, आगे ना, चार्ज क्या करता है, आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। आयोनाइजेशन होने के कारण एयर इंसुलेटिंग से कैसे बन जाती है, एयर क्या होती है बेटा, इंसुलेटिंग, और क्या बन जाती है, कंडक्टिंग बन जाती है। आके ना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज कर देती है और कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेती है, कौन कर लेती है, ऐसा एयर कर लेती है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। एयर शुरुआती दौर में इंसुलेटिंग होती है, फिर वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी गेन कर लेती है, और इंसुलेटिंग से कंडक्टिंग प्रॉपर्टी गेन करने का रीजन क्या होता है, इंक्रीज ऑफ चार्ज
और उससे लीकेज हुआ, लीकेज चार्ज ने क्या किया, आयोनाइजेशन किया, आयोनाइजेशन होने के कारण ये सिचुएशन आई। समझ में आया? और इस फंडामेंटल लॉजिक को, ये जो बना यहाँ पे, उसको एक कंसेप्ट के तौर पे स्वीकार किया जाता है, जिसको बोला गया है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या? अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रखे। एल की प्रॉपर्टी कैसे बेटा? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की ड्यू टू चार्ज, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो गई, उस टाइम पे एयर ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को उसकी क्या बोली जाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलो तो लिखो, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस रिटेन्स इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दैट is called dielectric strength. That maximum field, electric field is called dielectric strength. समझ में आया? The maximum electric field up to which dielectric medium or material behaves as a dielectric, it will not lose its dielectric property. That maximum value of electric field is called dielectric strength of that medium. Here, air is the medium. Okay? Now, बच्चा लोग, अब देखो यहाँ पे, air के लिए जो electric field और dielectric strength होती है, वो कितनी होती है बेटा? 30 × 10^5, 30 lakh volt per meter. एक मीटर इतना होता है, उसमें कितने वोल्ट होने चाहिए? 30 lakh. तब जाके एयर कैसी बनेगी? इंसुलेटिंग से कंडक्टिंग बनेगी। समझ में आया? हाँ के ना? इंसुलेटर एयर जो है, एयर का जो मीडियम है वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वाला इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक, और वो कंडक्टर कब बनेगा? 30 lakh वोल्ट पर मीटर, इतनी हाई वोल्टेज होगा तब जाके ऐसा होगा। तो चिंता क्यों करते हो? डरो मत, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वोल्ट होना चाहिए। क्लियर ना बिल्कुल पूरा कंसेप्ट? यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर हो गया बिल्कुल? यस। अब ये जो प्रोसेस हुई मेरे बच्चों, ये जो प्रोसेस हमने की, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें पता चली, तो अलग अलग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे एयर की ये निकली तो किसी और की कुछ और होगी, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर को कंडक्टर बना दे, इंसुलेटिंग मीडियम को कंडक्टिंग मीडियम बना दे, उसको वहां तक, उस लिमिट तक जो फील्ड होती है उसको हम कौन सी स्ट्रेंथ बोलते हैं मीडियम की? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई मेरे बच्चों, इस प्रोसेस में हमने क्या ऑब्जर्व किया? प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं बेटा? प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या हुआ? QI V चार्ज टू पोटेंशियल जो रेशियो है वो हमें कैसा मिला बेटा? कांस्टेंट मिला। कैसा मिला? कांस्टेंट मिला। मान लो हमने यहाँ पे 5 कूलम चार्ज रखा, तो इसके हिसाब से पोटेंशियल मिलता गया। 5 × 10 कूलम किया तो उसके हिसाब से मिला, पर वो जो रेशियो है हर टाइम पे बेटा, वो रेशियो कैसा होता गया? कांस्टेंट होता गया, और कांस्टेंट ही रहा, चेंज नहीं हुआ। क्लियर? प्रैक्टिकली ऐसा हुआ। और आप थियोरेटिकली सोचो हो तो वी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? KQ/R। अब आपने चार्ज बढ़ाया तो वी भी बढ़ेगा,
फॉर अ गिवन बॉडी क्यू बाई वी इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, आर बाई के। रेडियस इसकी अगर कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा क्या मिला बेटा, कॉन्स्टेंट। क्या समझ में आई मेरी बात, यस और नो? हाँ के ना। और इसी कॉन्स्टेंट को बच्चों क्या बोला गया, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसी कॉन्स्टेंट को बच्चों क्या बोला गया, क्यू बाय वी सी। सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। अच्छा तो अब यहां से एक और बात आप बता सकते हो, जो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हुआ, कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। क्लियर ऑन नॉट, कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज एंड इट इज गिवन बाई चार्ज अपॉन वॉल्यूम, नहीं है पोटेंशियल। वी क्या है बेटा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल, और क्यों है चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड दैट रेशियो इज डिनोटेड बाई सी विच इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या मेरे बच्चों क्लियर हुई बात, हुई क्या नहीं बताइए, बताओ जल्दी, मैसेज करो, समझ में आई क्या नहीं बात। बिल्कुल समझ में आई होगी, हाँ के ना, यस। अब यहां पे बात कर लेते हैं यूनिट। यूनिट आप देख रहे हो चार्ज अपॉन पोटेंशियल है, यानी कूलम पर वोल्ट हो गया, कूलम पर वोल्ट हो गया। दूसरा एक अपने साइंटिस्ट है फैराडे, फैराडे के नाम पे इसका यूनिट क्या लिखा जाता है बेटा, एफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एफ। दूसरी बात इसके बारे में, ये कौन सा, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो क्यू बाई बी का, क्यू का होता है बेटा ए वन टी वन और बी का होता है 12 माइनस 31। बी का क्या होता है 12 माइनस 31 और आर का क्या होता है 12 माइनस 32। आर का होता है रेजिस्टेंस, जो आगे बढ़ेंगे। अब एम ऊपर आया -1, एल ऊपर आया -2, टी ऊपर आया +4, ए -1 ऊपर आया +2, तो 12 माइनस 1242, -1242। क्लियर है कि नहीं, -1242, -1242 इज दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। एक और बात, कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है कैपेसिटेंस, स्केलर क्वांटिटी, यस। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओहो लाइट तो बहुत बढ़ गई, हाँ अब सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, अब सही है। चलो बेटा क्लियर हुआ, रिकॉर्डिंग चालू कर दी, अब हमारी वापस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बेटा, कैपेसिटेंस। तो आपको दो बातें इस थ्योरी में अभी तक आपको सीखनी है, क्या आपने सीखा, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझा, मैक्सिमम फील्ड जब तक इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बचा के रख सकता है, उस वैल्यू के बाद अगर आपने फील्ड बढ़ाई तो कैसा बन जाएगा, कंडक्टिंग। दूसरी बात आपको पता चली कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस क्या मेजर करता है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर।
और उसका इक्वेशन बेटा क्या होता है, C बराबर क्या होता है बेटा, Q बाई वी होता है, C बराबर क्या होता है Q बाई वी, आगे ना याद रहेगा ना, C बराबर क्या बेटा Q बाई वी, आगे ना याद याद कर सकते हो Q बराबर वी सी 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 वी आके ना Q बराबर सी वी क्यू सी वी बाई, यानी इसमें एक कहानी है अपने जो एक लड़का है अपने क्लास में वो थोड़ा लॉकडाउन के कारण फैशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया, तो फटी हुई जींस पहनते हैं ना, अब इसके पास जींस तो थी पर फटी हुई नहीं, तो उसने वहां पे से वो कैंची वगैरह यानी घुटनों के पास और थोड़ी नीचे के ऊपर सब जगह कैंची मार दी, दो तीन जगह मार, तो वो गया क्या मैं यानी थोड़ा सा बाहर घूमने जाऊंगा तब ये पहन के जाऊंगा, पर वो बाहर थोड़ा सा फ्रेश होने गया कि फिर आके वापस पहन के जाता हूँ, इतनी देर में मम्मी ने कहा अरे मेरे बच्चे की फट गई पैंट, तो मम्मी ने उसको सील दी धागे से, तो वो वापिस आके क्या बोलता है मम्मी को बताओ, क्यों सी वी कैम सी वी वाई सी वी क्यों बराबर सी वी, समझ में आया शॉर्टकट क्यों सी वी शॉर्टकट ना क्यों सी वी भाई, हमारे तो फैशन करवानी छे, फाटेला कपड़ा नहीं फैशन छे, पहला गरीबो फाटेला पहनता था, हाँ पहले गरीब फटे हुए पहनते, अब तो अमीर फटे क्योंकि फैशन है, अरे इसमें क्या है भैया हम भी पहनते हैं, पर अभी क्या है कि थोड़ा टीचर बन जाते हैं फिर नहीं पहनते क्योंकि वो ना मैं तो पहन सकता हूँ पर मेरे को क्या थोड़ा जींस सूट नहीं करती, अपना थोड़ा क्या है वो यानी गर्मी वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम पहन, बट अच्छी बात है फैशन के हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, देखो यानी पहले अपने 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 हिसाब से सब समय की फैशन होती है, और जो जरूरी है स्मार्ट पर्सन क्या हो किसे कहते हैं, जो समय के साथ चलता है, स्मार्ट पर्सन सबको बनना है ना, कौन है ऐसा जो स्मार्ट नहीं बनना चाहता है, स्मार्ट पर्सन सभी को बनना है, तो स्मार्ट पर्सन किसे कहा जाता है कि जो समय के साथ चले, जो सही लगता है उसको वो करता जाए, उसको हम कौन सा पर्सन बोलते हैं स्मार्ट पर्सन, यस और नो मैसेज करो, क्या मैं सही बोल रहा हूं, समय के हिसाब से उसको जो अच्छा लगता जाए उसको जो बहुत अच्छा लगता है वो काम को करता जाता है, तो बताइए इंटेलिजेंट पर्सन किसे कहते हैं, इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट पर्सन देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, ये स्मार्ट है और ये इंटेलिजेंट पर्सन है, दिस इज द वेल डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, उसके नीचे कम सोचने वाले लोग भी होते हैं पर इंटेलिजेंट सबसे ऊपर माना जाएगा, ये इंटेलिजेंट बहुत बड़ी चीज है ना, इसीलिए तो आईक्यू टेस्ट होता है ना, एसक्यू टेस्ट होता है इंटेलिजेंट, हाँ ऐसा होता है वो अलग चीज है, बट इंटेलिजेंट किसे कहते हैं, अगर स्मार्ट आपको मैंने बताया हम लोग मानते हैं स्मार्ट इसे कहते हैं, तो इंटेलिजेंट कैसे कहते हैं, इंटेलिजेंट किसे कहते हैं ध्यान से समझना है, स्मार्ट पर्सन मींस व्हाट, समय के हिसाब से जो जरूरी है और उसको जो सबसे अच्छा लगता है जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज वो करता है, पर इंटेलिजेंट पर्सन किसे कहते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो जरूरी होता है ना वो काम करता है, समझना, इंटेलिजेंट पर्सन क्या करता है जो जरूरी है जिस सिचुएशन में जो काम जरूरी है नेचर के लिए खुद के लिए पेरेंट्स के लिए वो करना उसे कहते हैं इंटेलिजेंट, समझ में आई मेरी बात के बाउंस गई, समझ में आई नहीं बच्चों, समझ में आई के बाउंस गई,
हाँ यस और नो? यस। मेरे को पूछ रहे कि सर आप इंटेलिजेंट हो या स्मार्ट हो? आई एम टीचर, नथिंग मोर देन दिस। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ जो आपको पढ़ाता, ना ही मैं स्मार्ट हूँ ना ही मैं इंटेलिजेंट हूँ, बस मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ बस। ओके ओके, चलो इधर आए। कैपेसिटर के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में कैपेसिटर, कैपेसिटर बिल्कुल दिमाग में एंटर हो चुका है। कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी, उसका इक्वेशन क्या है? Q/V, ये दिमाग में आपको बैठ चुका है, C बराबर Q/V। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? ए डिवाइस फॉर्म्ड बाय टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। बच्चों ये रट्टा मत लगाओ, भी समझा। कैपेसिटर एक डिवाइस है, जैसे कि मेरे बच्चों अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, हम ये दो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है, दिया है क्या नहीं? दो विक्स की गोली जैसी दी है, क्या है ये? दो विक्स की गोली जैसी दी है कि नहीं? यस दी। आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा मेरे बच्चों, थोड़ी बड़ी गोली हो गई, और इस पे हो गया कौन सा चार्ज? इंसुलेट ए सॉरी इंडक्शन हुआ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपने मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे माइनस क्यू, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल बेटा कितना? V2। कितना? V2। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे हम लोग? V = V1 - V2। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2। ये जो डिवाइस बनती है इसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। क्या बोलेंगे हम बच्चों? कैपेसिटर। और इसका कैपेसिटेंस क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों? Q/V। ध्यान से समझना है, दो डिवाइस नहीं है ये, एक ही डिवाइस है जिसमें कितने कंडक्टर हैं? दो कंडक्टर। एक पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। दूसरे पे कौन सा होता है? नेगेटिव। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। कैपेसिटेंस C = क्या हो जाएगा? Q/V। अब जो यहाँ पे क्यू है उसको हम बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है बेटा? क्यों चार्ज है? असल में आप देखो तो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज 0। क्यों? ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो टोटल कितना हुआ बेटा? 0। बीच में मीडियम एयर है, अभी बीच में कौन सा मीडियम है? एयर या फ्री स्पेस। ओके, इसीलिए आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे कैपेसिटर बना है। अलग अलग मीडियम की इफेक्ट भी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी तो आप ऐसा ही याद रखो कि एक डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टर और वो कनेक्टेड ना हो, ये खास है। अगर ये सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस और इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तभी वो कैपेसिटर है। अगर टच हो गए तो कैपेसिटर नहीं है। नहीं है मेरे बच्चों, समझ में आया? हाँ कि ना? कैपेसिटर मतलब अ डिवाइस फॉर्म्ड बाय टू कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेम नहीं, सम डिस्टेंस। क्लियर? ओके, तो कैपेसिटर किसे बोला गया ये समझ में आ गया। कैपेसिटर का जो चार्ज है कितना होता है? क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसी को बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। असल में टोटल चार्ज इन रियलिटी में आप देखो, अगर आप ऐसा टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, एक प्लस क्यू, दोनों को इकट्ठा करके सोचो, टोटल बोलोगे तो क्या बोलोगे? प्लस क्यू माइनस क्यू, आंसर क्या आएगा? 0। पर चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर आपको बोलना है तो इसकी पॉजिटिव प्लेट
एरिया पॉजिटिव, कंडक्टर पर कितना चार्ज है प्लस क्यू, वो होगा कैपेसिटर का चार्ज। बोलो भैया समझ में आ गया होगा। ओके ओके, अब सिंगल पीयर के बारे में हम देखें और उसका भी कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। देखो एक कैपेसिटर, एक सिंगल पीयर लिया जिसका रेडियस कितना है आर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर ठीक है, इस पे हमने चार्ज रखा बेटा कितना प्लस टू, तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखा जाएगा क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, तो v कितना होगा तो आपको पता है के क्यू बाई क्या होगा बेटा आर क्यू गया, तो आंसर क्या आएगा आर बाई के। हाँ बेटा पोटेंशियल कितना होता है बेटा के क्यू बाई आर, हमने रखा के क्यू बाई आर, तो क्या आंसर आया कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल स्फीयर इस आर बाई के, k का आप इक्वेशन लिखो तो r आंसर आएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, k कूलम्स कांस्टेंट जो था वही है उसका इक्वेशन वैल्यू क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है उसको 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरे बच्चों को समझ में आई बात? हाँ कि ना, हमने क्या निकाला कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल स्फीयर। अभी कहोगे आप सर आपकी कमाल करते हो, इधर कहते हो जिसमें कितने कंडक्टर हो दो उसको आप कैपेसिटर बोलो, और यहाँ पे आप कैपेसिटेंस निकाल रहे हो किसका, सिंगल स्फीयर का, तो इसमें दूसरा कंडक्टर कहाँ है माना गया, कहाँ इनफाइनाइट, कहाँ माना गया इनफाइनाइट, पर सिंगल स्फीयर का भी हम कैपेसिटेंस तो निकाल सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी हम चार्ज तो रखते हैं और उसकी भी कैपेसिटी तो होगी ना स्टोर करने की, कितना चार्ज वो स्टोर करेगा, और वो इक्वेशन क्या आता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक और बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूँ, ये याद रख सकते हो आप, रणबीर कपूर याद है किसी को, याद है कि नहीं, हो गए ना रणबीर कपूर यार, रणबीर कपूर हीरो है ना, अरे हीरो है हाँ, बस वही याद रखो सी श्रीकृष्ण रणबीर कपूर जो है एक्टर है, आलिया भट्ट अभी आ रहा है, पहले कैटरीना, पहले दीपिका, फिर कैटरीना, अभी आलिया भट्ट, तो ये स्मार्ट पर्सन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है जो टाइम के साथ चेंज होता है, स्मार्ट पर्सन रणबीर कपूर ठीक है, सी इज इक्वल टू आर के याद कर लीजिए आप अपने हिसाब से, अब सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर भी आप बेटा याद रख सकते हो ठीक है, आप कुछ भी आपके हिसाब से याद रख सकते हो। यहाँ पे एक नोट और लिखवा देता हूँ लास्ट, फिर हमारा टॉपिक फिनिश, लास्ट एक और नोट, फैराडे जो है इज अ बिग यूनिट, ऐसा यूनिट है बिग यूनिट, फैराडे बहुत बड़ा यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराडे जो बहुत बड़ा है, कैसे तो अर्थ एक कंडक्टर है यस, वो नेगेटिव चार्ज स्टोर कर लेती है, आपको पता है अर्थिंग करते हैं घर में, अर्थिंग क्यों करते हैं, सारा चार्ज नेगेटिव कहाँ चला जाए अर्थ में, इसीलिए अर्थिंग करते हैं, तो जो अर्थ है उसकी रेडियस होती है मेरे बच्चों 6400 किलोमीटर, और वो यहाँ पे रख दे तो सिंगल अर्थ जो है वो उसका कैपेसिटेंस लगभग लगभग याद नहीं आ रहा है पर 711 माइक्रो फैराडे जितना मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 711 आप सॉल्व कर सकते हो, आर की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके ये लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10^-12, वो दोनों वैल्यू रखो तो लगभग यही आंसर आता है। अब देखो अर्थ कितनी बड़ी है और उसका कैपेसिटेंस कितना आया 711 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10^-6,
यानी इसको आप लिखो तो आंसर क्या आएगा 0.000711 फैराडे। अब मान लो अर्थ का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो उसकी रेडियस और बढ़ानी पड़ेगी, तो अर्थ को और बड़ी करनी पड़ेगी, तो सोचो कितना बड़ा आपको कंडक्टर चाहिए एक फैराडे जितनी वैल्यू करने के लिए, यानी फैराडे इज अ वेरी बिग यूनिट। समझ में आया कि नहीं मेरे बच्चों? यस और नो? क्लियर ना? फैराडे इज वेरी बिग यूनिट बेटा। अब देखो एक और बात, सिंबल, तो कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरह से दो लाइन खड़ी करनी है और दोनों को इस तरह से आपको लाइन बतानी है, ये सिंबल ऑफ कैपेसिटर, जैसे ये रेजिस्टर हाँ के ना, वैसे ये कैपेसिटर। क्लियर? ओके। और दूसरा है वेरिएबल कैपेसिटर, ये भी आपको आता है, बताइए क्या करेंगे? वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है बेटा उसमें हम तीर बता देते हैं। क्या बता देते हैं मेरे बच्चों? तीर बता देते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? बिल्कुल पक्का? यस और नो? कैपेसिटर का सिंबल कैसा है बेटा? दो लाइन खड़ी कर दीजिए, खींच दीजिए। क्लियर? और ये कौन सा सिंबल है? वेरिएबल कैपेसिटर, ये तो पहले ही आता था। दूसरी बात, यहाँ पे हमने क्या देखा? सिंगल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर हो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? रणबीर कपूर जितना होता है। कितना होता है? रणबीर कपूर जितना होता है। फैराडे छोटा यूनिट या बड़ा यूनिट? बड़ा यूनिट होता है, क्योंकि अर्थ का अगर कैपेसिटेंस निकालो तो 0.000711 फैराडे मिलता है, जो बहुत छोटी वैल्यू है। और इसको अगर आपको 1 फैराडे करना है तो रेडियस और बड़ी करनी पड़ेगी, इसीलिए फैराडे कितना बड़ा यूनिट है ये आपको पता चल जाता है। कैपेसिटर किसे बोला गया है भाई? दो कंडक्टर चाहिए सेपरेटेड बाय सम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम और सम डिस्टेंस। मैंने ऐसे दो बातें आपको बताई, दोनों लिख लेना, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और सम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। सम डिस्टेंस बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है, एयर वायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और C = Q/V। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, खत्म।